एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए थोड़ा होटल से दूर आना पड़ा है। काजा यहाँ से थोड़ा पास है इसलिए यहाँ पे आया। वो जरूरी काम क्या है अभी बताता हूँ बाद में। वो जी एक टीम को बोल दिया है बाय बाय, अब बढ़ रहे हैं की मोनेस्ट्री के लिए और टाइम हो रहा है 4:30। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है क्योंकि पूरा ऑफ रोड है, रोड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो टाइम लगेगा कम से कम एक घंटा क्या पता लग जाए। बस देखते हैं नज़ारे लेकिन मस्त हैं ये देखिए। और धूप इतनी तेज चुभ रही है ना, पसीने तो नहीं आ रहे हैं बट स्किन ऐसा लग रहा है जल रही है। बट धूप का होना अच्छा है ताकि व्यू अच्छे मिल रहे हैं, नहीं तो अगर धूप नहीं होती ना इतने अच्छे व्यू, इतने अच्छे जो ट्रिप जा रही है अभी तक वो ना जाती। पिछली बार की तरह कोहरे में आसमान में बादलों के नीचे बस ढके हुए रहते और ठंडी ठंडी हवा चलती, कांपते रहते और कुछ नहीं। तो सही है वो भी इतना गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। और सर पे टोपा इसलिए लगाया ताकि सर ना जल जाए, क्योंकि चेहरे पे तो क्रीम लगा ली, अब सर पे तो क्रीम लगा नहीं सकते भाई। वो भी चल रहे हैं, बाकी नज़ारे देख ही रहे हो आप। नमस्ते, मिलते हैं आपसे अभी आगे। बगल में क्या गहरी खाई आ गई है अब, और रोड्स कहीं कहीं पे इतने नैरो हैं कि सामने से अगर ट्रक आ जाता है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। अभी आपने देखा ही आगे जगह नहीं थी तो पहले ही गाड़ी रोक ली थी। कभी कभी ट्रक वाले भी रोक लेते हैं बट कभी कभी हम भी रोक लेते हैं। और वो सामने स्पीति रिवर अब दिखने लगी है, तो इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे अभी की मोनेस्ट्री के लिए। और ये रहा काजा, रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिसकी वजह से रोड बंद है। तो कोई ना, थोड़ी देर बाद सही रास्ता खुल जाएगा, फिर नेशनल हाईवे 505 पे कनेक्ट हो जाएंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज के लिए। वेट करते हैं भाई तब तक, टैंक खाली कर ले, पानी भर रहा है वैसे अभी। ये जो खाली ड्रम है उन्हीं से पानी भरा जा रहा है इसी में ला के। फाइनली हम लोग हैं इस समय नेशनल हाईवे नंबर 505 पे है और अभी बढ़ रहे हैं की मोनेस्ट्री के लिए। लास्ट टाइम जब मैं आया था की मोनेस्ट्री और चीचम के लिए तब ये पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था, इतनी बर्फ थी और वो भी मेल्ट हुआ क्योंकि धूप निकल आई थी जिसकी वजह से काफ़ी स्लश हो गया था। अभी तो फिर भी सही लग रहा है रोड, बट उस टाइम तो हालत ख़राब थी भाई। एक तो ठंड
और दूसरा बर्फ, दोनों ने हालत खराब कर रखी थी और एकदम मतलब हाथ पैर जम रहे थे पूरे। बट अभी नज़ारे एकदम डिफरेंट है। उस टाइम तो पूरा बादल ही बादल थे, पूरा स्नोफॉल वाला माहौल था, बट अभी एकदम क्लियर स्काई है। सनसेट होने वाला है करीब आधे घंटे में, सनसेट हो जाएगा। तो प्लान में एक सडन चेंज आया है, अभी डिसाइड हुआ कि यहीं की में ही रुकते हैं, कल सुबह की मॉनेस्ट्री करते हुए चीचम करते हुए दिन फिर निकलेंगे लोसर, चंद्रताल और मनाली के लिए। अब ये हो पाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, जिसको गाड़ी चलानी वो वही समझ सकता है, क्योंकि रास्ता तो मुझे पता है कि हालत ख़राब कर देने वाला है। बट कोई ना, अब जो है वही है। शाम होने लगी थी, सनसेट भी हो रहा था, तो ये हुआ कि यहीं रुक जाते हैं आज, कल देखा जाएगा जो भी होगा। तो वो रही की मॉनेस्ट्री ऊपर, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की मॉनेस्ट्री करेंगे। और होटल लिया है, ये 2200 का पड़ा है हमें विद फूड, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूड है इसमें। अभी चलते हैं रूम पे देखो। तो जी ऐसा है कुछ अपना रूम, और सबसे अच्छी बात पूरा गर्म है, टेंट भी मिल रहा था बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, तो होटल ले लिया रूम। तो ये है आज का अपना स्टे की मॉनेस्ट्री में, होटल का नाम अभी मैं बता दूंगा। ये बेड है अपना, चेयर, टेबल, अलमीरा, वॉशरूम विद गीजर, और कुछ ऐसा भी आता है यहाँ से, एक तो ये और एक कुछ ऐसा। तो मिलते हैं अभी थोड़ा रेस्ट करके। और भाई साहब बाहर का मौसम तो भाई इतनी तेज़ हवा चल रही यार, गजब की ठंड है, बाहर निकलने का मन तक नहीं कर रहा है, अंदर है तब भी ठंड लग रही है। और ये पूरी बिल्डिंग कच्ची है, मतलब मिट्टी वाले मड हाउस टाइप का है, तब इतनी ठंड है। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8, भाई साहब चूहे कूद रहे हैं पेट में, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। भाई साहब बोला जल्दी बना दो, आधे घंटे बोला था, आधे घंटे बाद आ गए, 7:30 बोला था, 8 बजे आ गए, भूख लग रहा है अब। और बाहर इतना ठंडा मौसम है, बाहर तो जाने लायक नहीं, एक बार आपको दिखा देता हूँ बस बाहर जाके। ये देखो इतनी तेज हवा चल रही ना, हाड़ कपाने वाली, मतलब हड्डी कपा देने वाली हवा चल रही, बहुत ठंड है बाहर यार। और चंद्रमा जी निकल आए हैं अब, बढ़िया है, अच्छा है यहाँ भी। और अभी आ चुका है अपना खाना, ये दाल है, ये रोटी है, ये सब्जी है, ये चावल है और ये सलाद। और भाई लोगों का भी आ चुका है, तो अभी सब लोग खाएंगे खाना। राजमा पता नहीं क्या आ रहा है अभी, मतलब जो हम खा चुके हैं उसके बाद जो भी आ रहा हो। लिए अपना खाना आ चुका है करीब 1 घंटे बाद, बट अच्छा है। ये रही राजमा की सब्जी, रोटी, चावल, आलू और गाजर, शिमला मिर्च, प्याज की सब्जी, और ये सलाद में प्याज और दही भी है। ओ फाइनली खाना अपना हो गया भाई, खाना एक नंबर, मज़ेदार। इन केस अगर आपको कभी रुकना हो एक बार जरूर रुकिएगा यहाँ पे, मस्त सर्विस है वहाँ भैया की, बहुत अच्छी सर्विस है। बस पहले से बता देना खाना क्या खाना है, बाकी सब फूडिंग में इंक्लूड रहते हैं इनके प्राइस में, तो उसका देख लेना आप लोग। अभी जा रहे हैं थोड़ा नेट का काम करने। एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए थोड़ा होटल से दूर आना पड़ा है, काजा यहाँ से थोड़ा पास है इसलिए यहाँ पे आया। वो जरूरी काम क्या है अभी बताता हूँ बाद में। भाई जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं, नेट नहीं आ रहा था, और होटल के जो ओनर है उन्होंने बताया कि आगे मतलब एक मोड़ है वहाँ पे आता है, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, बट फायदे कुछ नहीं हुआ, खाली आना पड़ा। चलो चलते हैं रूम पर सोते हैं,
और इस ब्लॉग पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।